Pallavi Ahluwalia, Managing Attorney of Ahluwalia Law Offices, a premier boutique law firm based in Dallas with an East Coast office. Practice in areas of corporate, immigration, and family law matters. It's your first choice, second opinion law firm. Call us. Let's talk. Contact us at 972-361-0606. That's 972-361-0606. और इनकी आर्ट बहुत कुछ बोलती है, साथ ही लीना जी की आंखें बहुत कुछ बोलती हैं. लीना जी, वेलकम. दैट वाज जस्ट सुपर्ब व्हाट वी सॉ ऑन द बिग स्क्रीन. अजय देवगन साहब, जिनकी ऐसा इमेज है कि यू नो माचोइज्म और ये सब, उनको ये फिल्म प्रोड्यूस करवा दी, व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली आई थिंक अजय देवगन इज वन ऑफ द एक्टर्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली मोल्ड ब्रेक किया है, इवन एज एन एक्टर, इवन एज अ मेनस्ट्रीम एक्टर. लाइक डूइंग अ फिल्म लाइक ओमकार एट द पीक ऑफ हिज करियर, व्हिच वाज सच अ डिफरेंट रोल. So if you see his career, I think he's taken the maximum risks amongst most actors that I know. Right. And I think he takes calculated risks. So I'm very, very happy that we got his support on this film, because I don't think this journey would have begun without him. So let's do the honors. Yes. Let's invite the producer Saab and the superb actor, ladies and gentlemen, Mr. Ajay Devgan. अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस मूवी जो हम सबको देखने को मिलेगी. इतने सारे अवार्ड्स ऑलरेडी जीत चुकी है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर एक्सपीरियंस? आई थिंक जो जर्नी लीना ने शुरू की थी, इतने सारे अवार्ड्स जो मिले हैं, उससे वो जर्नी ख़त्म नहीं हुई है. आई थिंक अभी अब हम ये फिल्म जिस देश की, उस देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और 23 सितंबर ये फिल्म रिलीज होगी. वी आर वेरी हैप्पी कि जो हमने सोचा था कि जिस किस्म का रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए वो दुनिया भर में मिला है. जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे, इतने सारे अवार्ड्स और इतने सारे फेस्टिवल्स में फिल्म जा चुकी है. बट ये पूरा क्रेडिट लीना और सब एक्टर्स और टेक्नीशियंस और पूरी टीम को जाता है. राइट. वन मोर थिंग, यू सेड कि ये फिल्म महिलाओं के लिए नहीं, मर्दों के लिए. जस्ट एलैबोरेट. महिलाओं के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से महिलाओं को ज़्यादा नहीं सीखना. महिलाओं के साथ क्या हो रहा है महिलाओं के बारे में, मुझे लगता है मर्दों को सीखने की जरूरत है कि वो महिलाओं के साथ, महिलाएं क्या हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए. वाओ. और इसी के साथ मैं आई इनवाइट ऑन स्टेज द वेरी गॉर्जियस कनिष्ठा चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ऑफ कोर्स सुरवीन चावला. तनिष्ठा, इट हैज बीन अमेजिंग. मतलब इतने सारे रेड कार्पेट्स यहां वहां जा रही है, इतने सारे अवार्ड्स जो हैं आप लोग बटोर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Well, it's overwhelming. We started this journey with like a very small idea ki Leena aur main baith ke baat kar rahe the ki kuch karna chahiye saath. Aur aaj hum matlab yahan honge aur ye picture banegi aur itne sare red carpets pe matlab walk karenge, and you know Ajay ji will support us like this, and we'll have such a fantastic cast and crew from Russell Carpenter to Asim Bajaj to Surveen, Radhika. Like it's overwhelming. Right. Surveen, this one's for you. मतलब एक्टिंग के तो जलवे हैं हर किसी के. वो आइटम सॉन्ग, उसको देख के एवरीबॉडी इज लाइक डूड ये बहुत कुछ अलग हुआ है, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. आई थिंक आइटम सॉन्ग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कहना उसको. अच्छा, क्या है? प्लीज प्लीज टेल अस. आई प्ले अ नॉच डांसर इस फिल्म में. तो ये नाटक कंपनी जो यू नो गली गली शहर शहर जाती है ऑल अक्रॉस द कंट्री, तो वहाँ पर ये नाचती है. और एक्सपीरियंस वॉज absolutely very very unique. In fact, Ashley, he's the man. He was actually the best part about the experience. Ashley was actually the best part about the experience, and I think us mahol mein live aise perform karna, just to let yourself go and be, was absolutely amazing. Also talking about the colors, you know, it's very colorful. Yes. So pura, yes. Pura sare rangon ko ek saath bator ke. Russell is not here amongst us. Yeah. He's a painter. What an artist he is. And I think what you see, the stunning and stellar visuals that you see, is all thanks to Russell sir for what he's done. He's brought in a heart to the film. Right. So I have to in fact on behalf of the entire team, main bahut bahut dilo shukriya karna chahungi Russell sir ka, because
there could have not been anybody better. हम लोग भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये इतनी कमाल की फिल्म आप हम लोगों के लिए लेके आए यहाँ पे बड़े सारे सवाल होंगे सो इट्स टाइम फॉर यू टू शूट योर क्वेश्चंस ओवर टू द मीडिया हो जाए जी प्लीज हैव अ सीट Hi, Ajay sir, मेरा सवाल आपसे। Hello, the film has travelled like all over the world, got so many, a lot of recognition, and we have been reading. But why has it taken so long to release in India? Logistics, finding the support for the release. That's why we are very thankful to Reliance. It's very sad के issue चाहे दुनिया भर का हो, लेकिन film हमारे देश की है और that's why I'm saying it's very sad के हिंदुस्तान में शुरू करने के बजाय हमको दुनिया भर में शुरू करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में एक्सेप्ट करती हैं और जब वहाँ से घूम के पिक्चर यहाँ आई है अब हमें लगता है कि यहाँ भी एक्सेप्ट ज़रूर होगी लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक जो ये मिथ बना हुआ है कि सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल फिल्में चलती हैं आई थिंक वो आप लोगों को तोड़ना चाहिए हम तो कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन अब वो ऑडियंस ही तोड़ सकती है हाय लीना मेरा सवाल आपसे है आपके सवाल ये कि फिल्म के गाने भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी बड़े ही अनोखे गाने हैं और अलग तरीके का कॉम्पोजिशन है ज़रा उसके बारे में बताएँ कि वो कैसे आपने फिल्म में काफ़ी वैरायटी है म्यूज़िक में एंड हमारे फिल्म में बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं तो म्यूज़िक के म्यूजिशियन है हितेश सोनिक आई डोंट नो इफ ही इज हियर तो हितेश सोनिक के साथ मैंने एक्चुअली जर्नी जब मैं स्क्रिप्ट लिखी थी तब से वो जुड़े हैं फिल्म पे एंड वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग सो ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फिल्म इन मेनी मूवीज देन जस्ट म्यूज़िक एंड तो एक जो गाना आपने अगर सुना होगा बाईसा दैट्स अ सॉन्ग दैट वी फाउंड इन राजस्थान एंड वो गाना है इन द प्रेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड और अब जब फिल्में देखेंगे इट्स यूज्ड आयरोनिकली तो जो हम लिप सर्विस करते हैं औरतों को और जो रियलिटी होती है वो जितनी डिफरेंट है सो बाईसा इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दैट माई रे माई ये गाना है जो हितेश ने कंपोज किया है जो बहुत 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 खूबसूरत है स्वानंद किरकिरे ने लिरिक्स लिखे हैं सारे गानों के और दो जो सुरवीन के गाने हैं फिल्म में दे आर ऑल्सो वेरी वेरी यूनिक क्योंकि सांस्कृतिक मंच के नाम पे जो डांस कंपनीज घूमती हैं दे एक्चुअली सेक्स शोज सो दैट इज अ साइन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रेशन व्हिच इज प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी व्हिच वी आर इन डिनायल ऑफ तो दीज जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत ही सेक्सुअल होते हैं तो जो गाने आप देखेंगे फिल्म में वो आइटम नंबर्स नहीं है दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दोनों गानों में आप देखेंगे कितनी कहानी बढ़ रही है तो इट्स बीन अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड एशली लोबो हैज़ बीन very crucial in all the songs it's been an amazing experience working with Hitesh Sonic he's not just the songs when you hear the background score you'll know what magic he's done ajay sir jab bhi muddon pe filmein banti hain koi mudda aata hai to cvfc ka jo rujhan hota hai wo bahut ajeeb sa hota hai wo kai scene kaatte hain aur kehte hain ye mat dalo wo mat dalo to iske liye kitna prepare hai aap as a producer ऐसी फिल्म जब बनती है तो आपको प्रिपेयर तो होना ही पड़ता है तो जितनी रियलिटी हम दिखा सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं और कई जगहों पे वो भी अपनी जगह सही हैं कि एक हद के बाद आप कुछ नहीं दिखा सकते बट ये तो आई थिंक मेकर्स का मॉरल ये होना चाहिए कि उनको भी उससे ज़्यादा दिखाना नहीं है जो कि लीना ने बिल्कुल इस फिल्म में किया तो इस फिल्म में बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं आई कि कुछ कटना चाहिए हाँ फिल्म ए सर्टिफिकेट ज़रूर डिज़र्व करती थी और हमने मांगा भी यही था और जो हमें मिला
अजय जी, सुनील दैनिक भास्कर से, आपके एकदम फ्रंट पे, आपकी फिल्म 24 फिल्म फेस्टिवल्स में राउंड करके आई है, आप खुद कितना फेस्टिवल आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं जो होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, या अपने देश में अभी मामी भी शुरू होने वाला है? आई थिंक फेस्टिवल्स में ऐसी फिल्में दिखा के ये एक जरिया है जिससे आप अपनी फिल्म को पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, तो फेस्टिवल्स बहुत ज़रूरी हैं, वरना ऐसी फिल्मों को स्क्रीन स्पेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बिलीव करता हूँ डेफिनेटली ऐसे फेस्टिवल्स को जो जेन्युइन फेस्टिवल्स हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा उन फेस्टिवल्स में जाएँ। आप भी किसी फेस्टिवल में गए हैं या जाते जाने की इच्छा रखते हैं या जाएंगे अभी? मैं ये सारी दुनिया घूमे मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं लंदन गया था, बट उसके अलावा मैं कहीं गया नहीं। लीना जी, आपसे प्रश्न है, इसका टाइटल तो आपने पास्ट रखा है और नीचे लाइन लिखा कि यत्र नरेस्तु पूजन्ते, है ना, तो ये क्या विरोधाभासी बातें हैं या किस तरह की बातें आप देखें टाइटल? और टाइटल एक्चुअली पार्च्ड है, जिसका मतलब है सूखा या प्यास। और फिल्म क्योंकि फेस्टिवल्स में पहले जा रही थी तो उसके लिए एक इंग्लिश टाइटल रखा था, तो इसलिए ये टाइटल, फिर हमने सोचा क्योंकि फिल्म के बारे में इतनी बात हो गई तो हमने सोचा वो टाइटल नहीं चेंज करेंगे। पर उसके एक सपोर्ट में, एक्चुअली बेल्जियम में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उन्होंने हमसे एक श्लोक मांगा था टू पुट इट ऑन द पोस्टर, तो तभी ये श्लोक हमको मिला, ये मिला हमको, तो इसलिए उसको हमने इनकॉर्पोरेट करके पास्ट के साथ लगा दिया। लीना जी, मैं खड़े होके आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, रोंगटे खड़े कर देती है इसका जो ट्रेलर है। थैंक यू। और मुझे खुशी है कि मैंने आपके साथ काम किया है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे कि जिस तरह से जो महिला विमुक्ति आंदोलन हमारे देश का भी है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या कुछ मंचों पे सीमित हो जाता है, क्या आपकी ये फिल्म उससे आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कुछ एक अच्छी नई सोच पैदा करेगी? फिल्म से हम ये मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, पर डेफिनेटली डिस्कशन शुरू हो सकता है। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ फिल्म देखिए और डिस्कस कीजिए, अच्छा बोलिए बुरा बोलिए, एटलीस्ट ब्रिंग थिंग्स आउट, थिंग्स दैट यू अग्री विद डोंट अग्री विद, क्योंकि डिस्कशन इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेंज। और ये अजीब बात है, नॉट अजीब एक्चुअली, बहुत सही बात है कि मैं पूरी दुनिया घूमी उस पिक्चर के साथ और कितने Q&As किए हैं मैंने, हर जगह पर लोगों ने कहा ये हमारी कहानी है, मतलब, एंड दैट इज़ एक्चुअली डिप्रेसिंग ऑल्सो कि सबसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में भी ये बोला जा रहा है कि अभी तक हमारे साथ यही हो रहा है। अमेरिका, स्वीडन विच इज़ द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड, वहाँ पे औरतों ने मेरे से कहा वी नो वी आर द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री, बट कहानियाँ सेम है यहाँ पे। लीना, आपसे सवाल है, फिल्म की कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, तनिष्ठा, सुरवीन, राधिका, लहर खान, ये जानना चाहूँगा कि ये जो जहाँ पे सेट की है आपने फिल्म गुजरात, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि गुजरात में आपने सेट किए, क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे कि कहानी को गुजरात में सेट किया जाए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया महिलाओं के साथ इस तरह से बर्ताव होता है। Correct. लोगों की, मर्दों की मानसिकता पूरे देश में ऐसी है, तो गुजरात ही क्यों ऐसा चुना आपने? एक्चुअली हमने जस्ट लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छी इन्फ्लुएंस यूज़ किया था, अदरवाइज ये एक फिक्शनल विलेज है, वो कहीं पर भी हो सकता है दुनिया में, तो हमारा कमिटमेंट गुजरात को नहीं है। जस्ट टू गिव इट अ फ्लेवर, हमने थोड़ा सा कच्ची इनकॉर्पोरेट करके, नयन राणा यहाँ पे हैं जिनके हेल्प से हमने एक नया डायलेक्ट हिंदी और कच्ची के साथ इनकॉर्पोरेट किया। गुजरात इसलिए क्योंकि हमारा रिसर्च वहाँ पे शुरू हुआ और वहाँ पे जो पार्श लैंड था वो मुझे चाहिए था विजुअली, पर फाइनली हमने फिल्म राजस्थान में शूट की, तो इट्स एक्चुअली कुछ कमिटमेंट नहीं है कि ये एक जाति की या एक रीजन की कहानी है, ये कहानी कहीं पर भी हो सकती है पूरी दुनिया में।
अजय आपसे सवाल है कि बहुत कम लोग, बहुत कम प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स होते हैं जो इस तरह के सीरियस सिनेमा पर भी ध्यान देते हैं और सीरियस सिनेमा बनाते हैं जो एक ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश होती है, तो अब से क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है कि आप आगे से भी इस तरह के सिनेमा को सपोर्ट करेंगे बतौर प्रोड्यूसर? मैं शुरू से इन चीज़ों में बिलीव करता आया हूँ, जैसे कि लीना ने पहले भी कहा कि 90s में भी जिन जिन फिल्मों में मैंने काम किया, चाहे वो रेनकोट ले लीजिए या आप जख्म ले लीजिए या तक्षक ले लीजिए, लज्जा ले लीजिए, तो आई थिंक ये एक बैलेंस मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं क्लेम करना चाहता कि हम कुछ बदल देंगे सोसाइटी में, बट जैसा फिर से लीना ने कहा कि एक डिस्कशन शुरू हो सकता है, आपको सोचने पे एक चीज़ मजबूर करती है, तो अगर वैसा सिनेमा बनाया जाए और आप लोगों का अगर सपोर्ट मिले तो आई थिंक हम ऐसा सिनेमा और बनाना चाहते हैं। सपोर्ट इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर आप जाके ये फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर अगर पैसा नहीं कमाना चाहता तो नुकसान भी नहीं करना चाहता, तो अगर ऐसी फिल्में एक्सेप्ट होंगी जो सिर्फ आप लोग कर सकते हैं तो फिर ऐसी फिल्में और बनेंगी, सब मैं नहीं बहुत लोग बनाएंगे। अजय हेलो सर, अजय हेलो, अजय मेरा सवाल आपसे है, रेखा खान नवभारत टाइम्स से, मैं आपकी राइट में हूँ अजय, नमस्ते नमस्ते। अजय हमारे देश में महिलाओं को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे उनकी पढ़ाई ना होना, दहेज या उन पर अत्याचार या सेक्सुअल जो उनके साथ हैरेसमेंट होता है, लेकिन आप इस फिल्म से जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात तकलीफ देती है जो महिलाओं से जुड़ी है? बहुत अनेकों मुद्दे हैं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान करती है? आई थिंक आप किसी एक मुद्दे को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो मुद्दों की आप बात कर रही हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अपने अपने तरीके से अपने 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 उसमें होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा, इट्स बेसिकली पॉइंट ये है कि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके कितने सारे मुद्दे हैं और इतने सारे मुद्दे हैं, तो किसी एक मुद्दे की बात नहीं कर रहे। इस फिल्म में भी आप देखिए कि अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स हैं महिलाओं के, किसी एक की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की जा रही इन जनरल अबाउट विमेन, तो आई थिंक किसी एक चीज़ को अलग करना कि हाँ ये मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है बाकी सब ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी रॉन्ग। हेलो सर, एक्चुअली मेन आर ऑल्सो शोन एज विक्टिम्स, तो यहाँ पे सबसे मेजर वो कंडीशनिंग है जो हम सबको तोड़नी है, मेन एंड वेमेन। एक्चुअली ये जेंडर मेल और फीमेल वर्सेस नहीं है, इट्स अबाउट अस डूइंग इट टुगेदर, क्योंकि विक्टिम्स मेन भी हैं जिनको ऐसी सोसाइटी में एक मर्द बनना पड़ता है जो रो नहीं पाते हैं, तो विक्टिम्स आर बोथ मेन एंड वेमेन, और विलन सिर्फ हमारी कंडीशनिंग है और वही हमें तोड़नी है। अजय आपकी फिल्म शिवाय रिलीज हो रही है ऐ दिल है मुश्किल के साथ, और उसको लेकर एक विवाद हुआ है, सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपने स्टेटमेंट तो हालांकि दिया था। अच्छे टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक पे आप फिल्म बनाई है सबने, इन लोगों ने, तो अच्छी बातें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, वी विल कीप द क्वेश्चंस यू नो रिलेटेड टू दिस मूवी प्लीज, छोटी सी गुजारिश है जी। अजय सर, आपने आपका ये श्लोक जो है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता, ये आज के माहौल में कितना रिलेवेंट मानते हैं महिलाओं के प्रति? आई थिंक इसका जवाब लीना देंगे। आई मीन ये कब कहा गया था और अभी तक रिलेवेंट है, इट्स बेसिकली कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, तो लिटरली अगर वो मीनिंग है, पर इट मीन्स दैट एक इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, तो आप बताइए कितना रेलेवेंट है आज। ऑल्सो लीना जी भैया, ये फिल्म जैसे कि रूरल इंडिया में है, तो क्या इसका प्रमोशन रूरल प्लेसेस में भी होगा? आई डोंट नो वेयर, टू योर लेफ्ट, ओह हियर। इसका आई थिंक इसका जवाब रिलायंस ज़्यादा दे पाएंगे, बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू रीच एज मच एज वी कैन, और ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ऑडियंस रिस्पॉन्स का, और बाद में मैं जरूर चाहूंगी कि कुछ गांव में जाके मैं ये शेयर करूं एटलीस्ट एट अ पर्सनल लेवल फॉर श्योर।
Hi Jay, Lassia from India today. Yeah. You know, the film is about issues which plague society at large. Why is it being said that, you know, these are just issues or issues which are plaguing women? Isn't it high time men also sort of take cognizance of the fact, and it's not just looked upon as issues which are just facing women. These are issues which are facing, you know, society at large. That's exactly what I said when I started speaking, that this film is not about just women, it's about men also, and about men to learn. And as Lina also said, that in this film, it's the men and the women both are victims. So it's the conditioning, it's the society pressures, I would say, which force men also to do things that they do, apart from a mindset. So basically, we're tackling both the issues. It's just not about women. Hi Ajay sir, towards your right, over here. You know, at the start of the press conference, you mentioned that such films, it is not easy for such films to get the audience just like the commercial films. So what do you think needs to be done so that such films get the audience? Do you think the ticket rates are also to be blamed for this, in a way? It's not about the ticket rates, it's again about the mindset. I mean, if you really want us to, I mean, it's very easy for you to turn around and say, why aren't such films made in our country or all over the world? They are not, because everybody doesn't want to see such kind of films. And if y'all start seeing such kind of films and promoting such kind of films, of course, if you like it, then, you know, things will change. As she earlier said, the mindset is changing of the audience today. People are accepting such films, and that's why we're being able to afford to make such films. Ajay sir, myself. Sawal aap se. Ajay sir, yahan par. Sir, aap hamesha kabhi awards mein jaate nahi, kabhi awards swikarte nahi, jabki aapki is movie ko aapko bahut se awards mile aur nominate, aapka kya kehna hai is bare mein? Dekhiye, ye awards nahi hai. ये उस किस्म के अवार्ड्स नहीं है जिसपे हम सब जाके नाचते गाते हैं और जो टाइम पे पहुंच गया उसको अवार्ड दे दिया जाता है. मैं वैसे अवार्ड्स में नहीं जाता, क्योंकि वो अवार्ड्स अवार्ड्स नहीं होते. वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं. उसमें जितने ज़्यादा एक्टर आएंगे, जितना ज़्यादा भरेंगे, उतना ज़्यादा चैनल उसे खरीदेगा और उतने ज़्यादा वो लोग पैसे बनाएंगे. तो ये पैसे बनाने वाले अवार्ड्स नहीं है, तो मैं उन अवार्ड्स की बात करता हूँ. अजय जी, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट. अजय जी, बस आपसे इतना जानना चाहूँगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे जितने भी सीन लीक हुए हैं, क्या वो इंडियन ऑडियंस को देखने को मिलेंगे या नहीं? बस इतना. आपने देख लिए तो आप खुश हैं? आपने जरूर देख लिए होंगे. देखिए, आपकी वजह से पायरेसी होती है, क्योंकि आप देखते हैं. अभी तो फिल्म में जाके देखिए कि क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा. But Ajay sir, as a producer, how hurtful is it to see such things happening? It's a very big problem. Jaisa ki Leena ne abhi kaha ki agar aise hi chalta raha to filmein banni band ho jayengi, because itne nuksan hote hain. Haal hi mein kaafi filmein jo leak hui hain, unke one of the producers, main unka naam nahi lunga is waqt, unki aankhon mein aansu the jab wo mujhe mile, kyunki wo unhone mujhe bola main bilkul barbaad ho gaya hu. To I think ye responsibility agar sab uthaye, audience uthaye के लोग अपना घर बार बेच के फिल्में बनाते हैं. ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना घर बार बेच के दाव पे लगा के फिल्में बनाते हैं, और फिर जब ऐसा हो जाता है तो लोगों के लिए तो ये बहुत आसान बात है कि डाउनलोड कर ली, देख ली. बट उन लोगों का क्या होता है जो बर्बाद हो जाते हैं. Sir, also one more thing. Just like past, we have also loved the trailer of Shivai. You know, when a clash arises, it always boils down to the screen numbers that two films get at the box office. You know, the reason why I'm asking you is this: are you certain that Shivai will get more screen numbers as compared to Ae Dil Hai Mushkil? Because when Ae Dil Hai Mushkil's teaser was released, PVR Pictures went all out to announce it as the year's most awaited blockbuster. So how do you see it? Can we talk about this on the 28th of October? You said it. And you please come to me. And you ask me the same question, and I will give you the answer, or maybe you give me the same answer, and I'll ask you the same question. Hi Ajay, we heard your voiceover in the film towards the end. Will we see you in the film as a cameo, or will we see your voiceover in the film? I don't know if Lina's used my voice in the film in the end. No, I think it's just for the trailer. And one more thing, Ajay, do you think the time is to for the industry to look back and kind of take corrective measures, because we have heard that Disney and other studios have stopped their Bollywood production. So also related to star rates and the production values and the production costs of
correction always happens, and when it's the need of the hour, it'll happen. Things fall into place automatically. This industry is very blessed, I would say. What you're talking about, such problems have always come and gone, but the industry has always survived. So I really think that this industry is really blessed, and things will go on. Things will change, but things will go on. Ma'am, aapka jo subject hai, already similar, ek film aayi thi, The Good Road, जो ऑस्कर में पहुंची थी और उस वक्त मैम पूरे गुजरात में उस फिल्म का विरोध किया गया था द गुड रोड सिमिलर सब्जेक्ट था मैम तो आपको लगता है इसमें कच्छ का बैकग्राउंड है तो गुजरात में ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी इस फिल्म को आई थिंक लीना ने अभी शूट नहीं किया उधर मैंने राजस्थान में शूट किया हां मैम आपने शूट तो किया हमारा एक कैरेक्टर पंजाबी मैम कच्छी बोली आपने यूज की है फिल्म में तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में रिस्पॉन्स मिलेगा मैं होप करती हूँ कि अब वी शुड गेट आउट ऑफ दिस स्मॉल माइंडसेट्स ऑल ओवर इंडिया जब एक फिल्म होती है वो इमोशनली आपको कनेक्ट करनी चाहिए हमको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि ये पंजाबी है अगर अमेरिका में बैठ के औरतें बोल रही है ये मेरी कहानी है जी तो बहुत बहुत बुरा लगेगा मुझे कि यहाँ पे लोग बोले ये कच्छ की कहानी क्यों है दैट्स माई आंसर टू यू मदर टेरेसा सेड I alone cannot change the whole world, but I can cast a stone across the rivers to create many ripples. Inspired by Mother Teresa, Sir Edi, and Imran Khan, I have moved to Pakistan to help the needy and deserving of my beloved country, Pakistan. But I cannot do it alone. I need you to join hands with me in this worthy cause. And make a difference in the lives of those who cannot help themselves. To save the children, to empower the women, and to help disabled. So they can earn a respectable living and provide for themselves and their families. Just $10 can make a huge difference. Please log on to hhcsonline.org and click donate. For more information, You can email anjum@hhcsonline.org. I assure you that your $10 will be spent on needy. Your $10 will change lives. So please help. Thank you.